हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल MR राहुल राउत पे आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि सब्सक्राइब करने के लिए आपको पहले यहाँ पे आपको रेड बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पे रेड बटन क्लिक करना है। उसके बाद बेल आइकन की को ऑल कर देना है। जब आपका रेड से आपका जब ब्लैक हो जाए अब समझ जाइए आपका सब्सक्राइब हो गया। तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे का आकार को दबा दीजिएगा। तो इसी बात पे मैं अपना टॉपिक चालू करता हूँ। आज मेरा टॉपिक है आईटीआई का आज मेरा है, मतलब प्रीवियस पेपर, यानी जो इलेक्ट्रिशियन से जो आईटीआई वाले हैं, NCVT बोर्ड या SCVT बोर्ड, किसी की भी बोर्ड है, निम्बी पैटर्न के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो आपको पता होगा अगर पढ़े होंगे तो अपशिष्ट निपटान विधि जो है कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, तो होगा पूर्ण चक्रण। क्या होगा? पूर्ण चक्रण। तो ये होगा पूर्ण चक्रण। इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी पूर्ण चक्रण। और आपको पता होगा कि उसके बाद आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है कि यदि प्रीत को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है। तो इसके लिए स्वर्णिम घंटा जो है वो पूरे 30 मिनट के होते हैं। पहले का 30 मिनट का वो होता है ये स्वर्णिम घंटा। समझ रहे हैं? ये स्वर्णिम घंटा होता है पूरे 30 मिनट का, पहले 30 मिनट का। और उसके आगे का क्वेश्चन है, इस औजार का नाम क्या है। तो आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इस औजार का नाम क्या है। तो इस औजार का जो नाम है, इस औजार का नाम है जेनी कैलिपर। क्या है? जेनी कैलिपर, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा, जेनी कैलिपर। और इसका आगे का क्वेश्चन है, सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। तो सीट मेटल कार्य में जो हेम फोल्डिंग का जो उद्देश्य है वो आपका होगा क्षति, यानी सीट को जो है क्षति से बचाने का उद्देश्य होता है। क्या होता है? सीट को जो है क्षति से बचाने का, यानी प्रिवेंट्स द सीट फ्रॉम डैमेज, यानी इसको डैमेज से बचाने के लिए होता है। तो इसके लिए आगे का क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन मेरा होगा, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। सीट मेटल कार्य में के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। तो इसका जो नाम है ब्लू हॉर्न स्टेक। क्या है? ब्लू हॉर्न स्टेक। तो इसलिए हम टाइम बचाते हुए आगे क्वेश्चन हम रवाना होते हैं। मात्रा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो होगा आपका आंसर डीप सोल्डरिंग। क्या होगा? डीप सोल्डरिंग, यानी इसका आंसर ए होगा, डीप सोल्डरिंग। इसलिए अगले क्वेश्चन पे हम रवाना होते हैं। पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। आप अगर मान के चलिए आपको कोई शोल्डर दिया जाए, उसको बार बार अगर पिघलाते हैं तो उसका जो है क्या बोलते हैं, उसका भाग, यानी टीन का जो भाग होता है कम हो जाता है। शोल्डर में जो टीन का भाग प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उसका जो भाग वो कम हो जाता है, यानी इसका आंसर होगा टीन का भाग कम हो जाता है। इसका आंसर होगा, इसका जो है भाग, ये टीन का भाग जो है कम हो जाता है। आगे क्वेश्चन है मेरा कि 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। तो इसका आंसर जो है 13 एम्पियर होगा, यानी क्या होगा, 13 एम्पियर, यानी 16 है तो 16 एम्पियर में आपका अगर जो है इसमें क्या बोलता है क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित, तो इसमें जो है 3 एम्पियर इसका ऑटोमेटिक घट जाता है, यानी टोटल हो जाता है आपका 13 एम्पियर। ठीक, तो इसका 13 एम्पियर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की को यूनिट में निकालिए। ये जो 500 वाट का जो लैंप होता है उसको 5 घंटे तक अगर आप जलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा आपका कितना ख़त्म होता है। तो इसका जो विद्युत ऊर्जा आपका ख़त्म होगा 2.5 यूनिट होगा, यानी अगर आप
क्या बोलते हैं कि आप यूज करते हैं, अगर मान के चलिए आप 5 घंटा यूज किए 500 वाट का, अगर आप वही अगर 100 वाट का अगर आप करते, या नहीं तो मान के चलिए अगर आप क्या बोलते हैं 250 वाट का अगर आप यूज करते हैं, 250 वाट का आप 5 घंटे तक, 5 आवर्स, और इसके बाद आपका जो है यूनिट तब आपका आता है यानी 1.25 यूनिट, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 पॉइंट, तो यहाँ पे जो आपका है 500 वाट। तो 500 वाट का हम अगर करते हैं तो 5 घंटे में, 5 आवर्स में, तो इसका हो जाता है 2.5 यूनिट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 255 यूनिट। और उसके बाद आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। तो अगर आप अगर कोई 12th करके आईटीआई कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो है किरचॉफ्स का दूसरा नियम के नियम का जो है ये परिभाषा, एक तरह से दूसरा नियम है, यानी किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ है। अगर आप 12th किए होंगे साइंस से, उसमें फिजिक्स में भी है किरचॉफ्स का लॉ, तो आप समझ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा किरचॉफ्स लॉ, यानी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर किरचॉफ्स का लॉ दूसरा नियम होगा, यानी आंसर डी। उसके बाद आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है प्रतिरोध का क्या नाम है, प्रतिरोध का क्या नाम है, इस प्रतिरोध का जो नाम पूछ रहा है, इस प्रतिरोध का क्या नाम है, तो इस प्रतिरोध का है तार बंधे हुए प्रतिरोध। क्या नाम है? तार बंधे हुए प्रतिरोध, यानी बी नंबर आंसर। यानी आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 12 नंबर, कह रहा है RLC परिपथ के प्रतिबाधा, RLC के परिपथ के प्रतिबाधा जड की गणना करने का सूत्र क्या है? यदि प्रेरकीय प्रतिघात XL धारिती है और प्रतिघात XC से कम हो, तो इसका जो है आंसर होगा आपका 12 का। इसका आंसर अगर आप अगर जानना चाहते हैं तो इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, इसका आंसर आपका होगा Z=√R2+XC − XL² एंड इसका आंसर डी नंबर होगा। तो अब आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया, धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है? तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा, इसका धारा एवं वोल्टेज समान कला में दर्शाया गया है। क्या क्या गया है? समान कला में दर्शाया गया है, यानी आंसर इसका डी होगा, इस आंसर ए होगा, ए इसका आंसर ए होगा, धारा एवं वोल्टेज समान कला में ए होगा, सॉरी हम डी बोल दिए थे, ए होगा। तो इसलिए आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं 14 नंबर 14, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? इसका जो होता है तकनीक प्रयोग जो होती है वो होती है कैथोडिक सुरक्षा, यानी कैथोडिक सुरक्षा होती है। तो धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग होती है? कैथोडिक सुरक्षा, यानी ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। इसलिए अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? तो एनोड जो है खो रहता है, खो देता है, जब मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हिस्सा जो कौन खोता है, इलेक्ट्रॉन जो खो रहा है वो एनोड पे खोता है, यानी आंसर नंबर बी होगा। इसके लिए अगले क्वेश्चन हम जा रहे हैं 16 नंबर, DC श्रृंखला MCB का अनुप्रयोग, यानी उपयोग नहीं अनुप्रयोग कौन सा है? इसका जो होगा आपका लोकोमोटिव, क्या होगा? लोकोमोटिव यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। और उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो इसमें है होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है, होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है? इसका जो आपका जो कारण है, ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचे, यानी ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचे, यानी मतलब ऑप्शन नंबर सी। इसलिए हम जो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 18 नंबर, क्योंकि हम आप सभी का मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आपको बोर ना होने देंगे, इसलिए हम बहुत जल्द ही इसको हम वीडियो को समाप्त करेंगे, यानी 25 क्वेश्चन टोटल लेंगे, 25 क्वेश्चन, यानी मतलब जो 25 अगर आप प्रतिदिन अगर लेते हैं क्लास
आपका जो है अच्छे से तैयारी हो जाएगा और इसका मतलब आपको अनुभव भी हो जाएगा कैसा क्वेश्चन मतलब जो है आईटीआई के एग्जाम में पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। यह है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है ये 18 नंबर घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रयोग क्या है, यानी मतलब कह रहा है घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रयोग क्या है। परीक्षण का प्रयोग जो होता है ये ध्रुवता जाँच के लिए होता है। क्या होता है? परीक्षण का प्रयोग ध्रुवता जाँच के लिए होता है। तो हम अगला क्वेश्चन बोलते हैं और इसका जो ऑप्शन जो होगा ध्रुवता जांच यानी ए नंबर ध्रुवता जांच के लिए होते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी 90 नंबर एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है एमसीबी के किस विद्युत उपकरण में। तो इसका आंसर जो होगा गीजर है। गीजर क्या? गीजर, गीजर यानी को ए ऑप्शन गीजर। हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 20 नंबर क्या चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है। इसका जो आंसर जो है चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने होने का क्या कारण है, तो इसका आंसर जो आपका होगा विचलन वाल घूर्ण है ना, विचलन वाला घूर्ण धारा को अनुपातिक है, यानी विचलन वाला घूर्ण धारा के अनुपातिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 21 नंबर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है। तो इसका आंसर जो आपका है प्रभाव त्रुटि। क्या होगा? प्रभाव त्रुटि यानी इन्फ्लुएंस एरर। प्रभाव त्रुटि यानी एरर का होता है हिंदी त्रुटि यानी त्रुटि होगा। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है, तो प्रभाव त्रुटि होती है। तो अगला हम क्वेश्चन चाहते हैं क्योंकि समय हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं, बहुत समय को, इसे आप भी सब समझते होंगे समय बहुत बहुमूल्य है। अगर आप मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या बोलते हैं मेरा नोटिफिकेशन मिलता है, और नोटिफिकेशन मिलने के बाद आपको मेरा जो भी वीडियो बनता है आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको चला जाता है। पार्ट वन अगर आज हम आपको क्लियर करते हैं पार्ट वन, तो हम पार्ट टू जो है रोज़ मतलब प्रतिदिन आपको पार्ट बाय पार्ट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो रोज दिन अगर 25 अगर आपको मिलता है तो आप बेहतर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन के ये थ्योरी का है, और हम कुछ दिन में हम इनका जो है मैथ भी आएंगे लेकर और ड्राइंग के वगैरह भी पढ़ाएंगे। तो अभी जो है फिलहाल अभी थ्योरी चल रहा है, तो आप थ्योरी की तैयारी कीजिए जितना हम पढ़ा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें जो क्या है किस प्रकार का वाट मीटर ये है। तो ये जो है किस प्रकार का वाट मीटर है, ये दो अव्यव तीन कलाम वाट मीटर। क्या है? दो अव्यव तीन कलाम वाट मीटर यानी बी नंबर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन 23 में आते हैं मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है, यानी मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। तो इसका आंसर आप मतलब जो है कम संवेदनशीलता यानी आंसर नंबर सी। कौन? तो आंसर नंबर सी लॉ सेंसिटिविटी कम संवेदनशीलता। यानी अब आपको हम ले जाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे 24 रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी होती है। इसका जो है फटा हुआ ब्रश के कारण होता है। क्या होता है? फटा हुआ ब्रश के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और इसके बाद हम आप चलते हैं आगे क्वेश्चन में, एवं आज का लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। इस ट्रांसफार्मर का कारण नाम क्या है। तो इस ट्रांसफार्मर का नाम जो है आपको हम बता रहे हैं, हाँ इस ट्रांसफार्मर का जो नाम होता है कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर है। ये किस प्रकार के ट्रांसफार्मर है? तो कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर है। तो आप अगर मेरा वीडियो अगर आप सभी को अगर पसंद आया, और इसका ऑप्शन जो होगा पी होगा, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरे वीडियो को शेयर करें और शेयर करिए, और क्या बोलते हैं, और मेरे वीडियो को और भी दूसरे बच्चे स्टूडेंट जो है ये देखिए और वो भी पढ़ें। तो इसलिए मैं यहाँ पर ही अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, और मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू। अगर अगला पार्ट हम दूसरे पार्ट में आप सभी के साथ मिलते हैं। ओके, आप सभी का ऐसे सपोर्ट रहा तो आगे भी आपका पार्ट टू वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट।